नमस्कार। ऐसे के हालात में जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक छत पे हर एक नागरिक खड़ा हुआ है। यह है भारत का फ्यूचर, और इसी फ्यूचर के साथ हमारे कुछ लोग पतंग उड़ाते हुए दिख रहे हैं। आइए हम आपसे इन लोग से बात करते हैं। हाँ भैया, भाई साहब, जूते कैसे बनते हैं? दो आगे दो पीछे। बीच का कोट्टा, ये मेरे को नहीं पता क्या होता। हम इनसे बात करते हैं। बड़ा दुख हुआ आपकी पतंग कटते हुए, तो कैसा महसूस हुआ? ये कितने का धागा है? 40 रुपए का धागा है। आप लोग पार्टनर से उड़ाते हो? हाँ जी। धागे को डबल करके उड़ाते हो कि सिंगल में उड़ाते हो? कोई बेमानी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो कर रहा बेमानी, वो लड़ा। तो ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया के लोग ऐसे ऐसे हैं। तो अब हम आप चलते हैं उनके पास बात करेंगे। तो कैमरा ऊपर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इनके पास आ चुके हैं, और आते आते हमने ये इनसे पूछा। भाई साहब, वो बता रहे थे कि आप डबल करके उड़ाते हैं। चलते हैं साले। हाँ। आप एक पैच कटवा के दिखाइए अब, जैसे हम मानते हैं। ये बता रहे हैं कि ये सिंगल करते हैं। ये देखिए पतंग को, देखिए लाल वाली पतंग को, देखिए वो कैसी डर रही है उससे। बहुत तेज पतंग मारे यहाँ के। देखते जाइए बस। लाल वाली की देखो फटी पड़ी है। यहाँ पे एक और सदस्य आते हुए, इन्हीं की टीम के हैं, 4-5 लोग इनकी टीम के हैं। आप भी इनके साथ हैं? तो आप डबल करके उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते? नहीं। हाँ, बहुत अफवाह चलती है इनके बीच में कि ये भाई बहुत सातरबाज हैं। देखिए वो लाल वाली पतंग देखिए कितनी दूर चले गई। और वो उन लोग से भी मैंने बात किया था, उन लोग बता रहे थे डबल करके उड़ाते, उन लोग बहुत झूठे हैं। अलग अलग छत में अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, जैसे आप वो देख लिए, वो भी है अलग अलग छत पे, वो वहाँ पे वो देखिए, चवाटी भी चल रही है जिनकी पतंग फंस चुकी है। क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। इस क्षेत्र में आप जैसे कि देख सकते हैं, तो अब चलते हैं अपन थोड़ा बस्ती की तरफ, और अपन देखते हैं कि पतंग लूटने का क्या चल रहा है। हाँ, हम इनसे पूछने आए हैं कि पतंग का माहौल कैसा चल रहा है, पतंग लूटने का माहौल कैसा चल रहा है। पतंग काटने की तो बात हो गई, पतंग काटने की वो लपौंदागिरी कौन है उनका जो नाम चलता है पतंग काटने के। आप एक दिन में कितनी पतंग लूट लेते हैं? हम एक दिन में 50 पतंग लूट लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि भाई अब चलते हैं अपन ऊपर साइड, जहाँ से अपन आए थे वहीं चलते हैं। अभी हम आए ऊपर से, ऊपर यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ उम्र का भी लिहाज नहीं हो रहा है। यहाँ पे बड़े से बड़े लोग खेल रहे हैं पतंग उड़ाने का, मकर संक्रांति के दिन जा चुका है। आइए हम पूछते हैं, कितने साल से आप पतंग उड़ा रहे हैं? मुझे लगभग हो गया है 22-23 साल हो गया पतंग उड़ाते। 22-23 साल हो गए इनको पतंग उड़ाते हुए। आज तक इनने अपनी ज़िंदगी में 450 पतंग के केस फाइल करें, 400 पतंग काट चुके हैं ये अपनी पूरी ज़िंदगी में। और इनका हर दिन का पैच का होता है 2 पतंग हमेशा काट लेते हैं, क्योंकि इनके एरिया में आप देख सकते हैं एक भी पतंग नहीं रहती है। देखिए बता रहे हैं कि एक दिन में इनने 27 पैच काटे हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं मकर संक्रांति के दिन कितनी हाइप चलती है पतंगों की। अब हम मिलाते हैं दुनिया के, इंडिया के सबसे बेहतरीन पतंगबाज जिनका नाम चलता है काइटमैन करके, तो चलिए उसके पास। हम काइटमैन को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम पूछते हैं एक जन से, भाई साहब काइटमैन को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, वो सुनाई में आ रहा है कि वो दुबई में लोगों को सेब को उड़ाना सिखा रहे हैं। गुड्डू पाठक नाम उनका। अरे हाँ, उनकी पतंग है, बहुत चोरी हो रही है आजकल, गोल लवड़े से चुरा के ले जा रहे हैं, सुनाई में आया है।